मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, बोलो तुम जब भी ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना होकर भी गोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। वंदे मातरम, जय हिंद। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर मैं 10वें क्लास के छात्र छात्राओं के लिए आ गया हूं। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो हमें एक ऐसा एपी बताना है, ऐसा समांतर श्रेणी निकालना है जिसका कि 3 नंबर पद 5 हो जाए और 7 नंबर पद 9 हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद वह ए है तथा सार्व अंतर डी है। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। सार्व अंतर डी है और प्रश्न कहता है तीसरा पद 5 है। तो यहां मैं प्रश्न से लिख लू जरा, प्रश्न से A3 तीसरा पद कितना 5, A3 का सूत्र होगा A+3-1 × D = 5। अब A+3-1 तो 2D = 5, तो A बराबर कितना 5+2D उधर जाएगा तो -2D, समीकरण 1 है ना। उसके बाद 7वां पद 9 है, पुनः 7वां पद 9 है। 7वां पद का फॉर्मूला A+7-1 × D = 9, यानी A+7-1 = 6D = 9। अब हम लोग A का मान कितना बैठाएंगे, A का मान 5-2D, तो A के जगह 5-2D बैठा देते हैं। 5-2D A के जगह बैठा दिया, अब प्लस 6D और बराबर के बाद तो 9 है ही है। अब 6 डी में से 2 डी घट गया स्टूडेंट, 6 डी में से 2 डी क्या हुआ घट गया, तो 4 डी ना बच जाएगा बराबर 9। आई 5 PMCH रेफर होगा, होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा। तो मतलब इधर प्लस तो उधर माइनस, तो 9-5 घट गया तो 4, अब 4 से 4 एक बार में कट गया तो डी का मान 1 हो गया। अब डी का मान 1 बैठा देंगे तो ए निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से आ जाइए, समीकरण 1 से तो समी ए बराबर कितना है, तो ए बराबर है 5-2D और डी का है लिखेंगे, डी का मान तो आ गया, अब 5-2 तो ये हो गया 3। इसीलिए एपी निकालना है भैया, एपी का सूत्र है A+D+A+2D डॉट डॉट कर दीजिए। ए का मान कितना आया 3 आया, तो 3 लिखिए, आ ए प्लस डी तो 3+1 = 4, आ 3+2 = 5 डॉट डॉट डॉट, यह हो गया आंसर। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द 37 नंबर वीडियो में, तब तक अच्छा से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।